आज मुझे एक बार फिर से कानपुर के जनता जनार्दन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और यहां के युवाओं के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर इन सभी योजनाओं की सौगात देते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले कानपुर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी और श्री देवेंद्र सिंह भोले जी को विजयी बना के भेजा, इसके लिए आपके प्रति कानपुर वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बदले में 745 करोड़ की योजनाओं की सौगात हम लोग कानपुर वासियों को दे रहे हैं, इसकी भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए जहां रोजगार की एक बड़ी योजना को लेकर के 50 कंपनियों के द्वारा एक साथ 1000 से अधिक नौजवानों को रोजगार वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, वहीं सैकड़ों उद्यमियों को लोन देने के लिए भी आज यहां लोन मेला भी लगा है, तो लगभग 8000 युवाओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हुआ है। इस अवसर पर इन सभी युवाओं के लिए, इन सभी रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए, लोन प्राप्त करने वाले उद्यमियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, आपने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर देखी है। सरकार ने सुरक्षा का, सुशासन का और विकास का एक मॉडल दिया है और ये मॉडल इस रूप में दिया है जिससे आपका वर्तमान भी उज्जवल हो और भविष्य की एक नई अभिलाषा के साथ, आकांक्षा के साथ आप आगे बढ़ सके, और इस विश्वास के साथ आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी, हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी, प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। इन विपरीत परिस्थितियों में यहां की पीड़ा को समझा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। आज परिणाम आप देख रहे होंगे, 7.5 वर्ष में कोई प्रदेश एक लंबी दूरी तय कर ले, आज आपके सामने यह दृश्य है। बहन और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है, आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है, कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है।
लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? ये कांग्रेस के बेमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है, जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था। बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? ये कांग्रेस के बेमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है, जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बनकर के चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिख यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं, इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है, और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसामऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति, जो इसी माटी के सपूत है, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे, उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। बहनों और भाइयों, आज वो अपने कृत्यों का सजा भुगत रहा है। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है, समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है,
और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है, इस समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं, ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए, मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, एक तरफ नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित हो रहे हैं, हमारा युवा भी तो दुनिया के पास जाएगा दिखाने के लिए कि हां मैं योग्य हूं, सर्वोत्तम मैं करके दिखा सकता हूं, भारत के विकास में मैं भी योगदान दे सकता हूं। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7-7.5 वर्ष में जो किया, आपके द्वारा चुने गए इन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। आज आपने देखा होगा 6.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, किसी को सिफारिश कराने की नौबत नहीं आती, किसी को कहीं कोई घूसखोरी की नौबत कहने की शिकायत नहीं होती, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसको हम वहीं से उठा करके सीधे जेल की सिकंजों के अंदर डालते हैं और कहते हैं जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। और जेल ही नहीं बल्कि दाद बाबों बाप दादों की जो पुरखों की जमीन है उसको भी जब्त करके फिर गरीबों में बंटवाने का काम भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है।